हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक्स। लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था एंगल सम प्रॉपर्टी इन पॉलीगंस। एंगल सम प्रॉपर्टी इन पॉलीगंस के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। एंड अगर हमें किसी भी पॉलीगंस का एंगल्स फाइंड करना हो, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, वेयर एन इज, एन क्या है यहाँ पर हमारे पास? साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स। इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड सम ऑफ एंगल्स इन हेक्सागोन। अगर हमें हेक्सागोन का सम ऑफ एंगल्स फाइंड करना है, इट मीन्स इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो फॉर्मूला राइट किया हमने सबसे पहले एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखिए, हेक्सागोन में हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 6। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड हमारे पास 6 होती है, इट मींस n की वैल्यू क्या है? 6। n इक्वल टू 6 पुट करेंगे इसमें, पुट n इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 180। अब देखिए, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 को 0 से करेंगे 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 वन जा 4, 4 प्लस 3 7, 720 डिग्री आया इसका। तो फाइंड सम ऑफ एंगल्स इन हेक्सागोन, हेक्सागोन्स में जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना आएगा हमारे पास? 720 डिग्री। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगंस के फाइंड करना हो तो हमें फॉर्मूला यूज करना है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? जैसे कि हमने इससे पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि किसी भी जो हमारे पास पॉलीगंस है उसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखिए, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड, तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 4 पुट करने पर आएगा हमारे पास 4 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इट मीन्स 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, हम राइट करेंगे द सम ऑफ द मेजर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द एंगल of a convex quadrilateral is 360 degree। तो quadrilateral हमारे पास convex है, तो उसका sum of measures of angle कितना आया हमारे पास? 360 degree। अब आगे read करते हैं। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो क्या ये property as it is नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगंस में अप्लाई होगी? तो इसको देखते, तो इसमें हम आंसर राइट करेंगे यस, इट इज ऑल्सो होल्ड इन कॉनकेव। जब नॉट कॉन्वेक्स, इट मीन्स क्या हो गया वो? कॉनकेव क्वाड्रिलेटर।
कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी सेम एज इट इज, उसका सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल कितना आएगा 360 डिग्री। बट इसने देखो ब्रैकेट में एक लाइन भी लिखी है, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ऐसे यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना लें और उसको चेक करना है कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल 360 आना चाहिए। तो हमने नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाया, ए बी सी ये डी, ठीक है। अब देखिए इसको ये नॉन कॉन्वेक्स है इट मीन्स कॉनकेव, क्योंकि इसमें केव बनी हुई है इस साइड में, तो ये क्या हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब इसको चेक करके देखते हैं कि ये सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल 360 आता है या नहीं। तो देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, एक डेस लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, तो ये टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गए। जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी ए टू सी हमने ज्वाइन किया, तो ये टू हमारे पास ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब देखिए आप इसको कोई एंगल दे देते हैं, अब एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, ये एंगल फाइव और ये एंगल सिक्स। सम ऑफ एंगल्स अगर हम सम करें इंटीरियर एंगल्स का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो देखिए सम ऑफ एंगल्स इन गिवन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सम ऑफ एंगल्स करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एंगल ए एंगल थ्री प्लस फोर, एंगल ए एंगल बी एंगल वन प्लस एंगल सी एंगल टू प्लस एंगल फाइव एंड प्लस एंगल डी एंगल सिक्स। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, अगर हम ये फोर एंगल्स का सम करें तो ये आएगा एंगल ए थ्री प्लस फोर, एंगल बी एंगल वन, एंगल सी टू प्लस फाइव एंड एंगल डी सिक्स। अब देखिए दोनों ट्राइंगल हम लेके चलते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी इससे पहले टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी, दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं। दोनों ट्राइंगल का अगर सम करें तो ओवरऑल ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए दोनों ट्राइंगल को सम करते हैं, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल एबीसी प्लस सम ऑफ ट्राइंगल एसीडी एसीडी, ट्राइंगल एबीसी एंगल्स का सम करेंगे और ट्राइंगल एसीडी एंगल्स का सम करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के इक्वल होना चाहिए। एबीसीडी का अगर हम फाइंड करें तो सम ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंगल ट्राइंगल एबीसी के एंगल सम करेंगे और ट्राइंगल एसीडी के एंगल सम करेंगे तो ओवरऑल एबीसीडी के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल एबीसी,
एबीसी के जो एंगल्स है हमारे पास 1, 2, 3 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस सम ऑफ ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ट्राइंगल के एंगल कौन कौन से हमारे पास 4, 5, 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब देखिए, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में एंगल जो हम सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो ट्राइंगल में हमारे पास नंबर ऑफ साइड 3 होगी, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो ट्राइंगल के अंदर एंगल सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, इट मीन्स दिस इज 180 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो 180। तो ये 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एबीसी, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रिप्रेजेंट करा। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टोटल जो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स कितना आया 360 डिग्री, तो अब ये हमने प्रूव कर दिया। तो चाहे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो चाहे कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हो, तो उसमें जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम जब यूज करते हैं तो ओवरऑल कितना आएगा 360 डिग्री, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव।